हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र सेवाकरा, स्टूडेंट कोच। बच्चों, आप पढ़ाई के दरम्यान जो गलतियां करते हो उसमें से 5 बिग मिस्टेक्स से आज मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं। तो सभी बच्चों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। फर्स्ट लेस अंडरस्टैंडिंग, तो जिस बच्चों के एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं या फेल होते हैं वो बच्चे अंडरस्टैंडिंग पे कम काम करते हैं। ऐसे बच्चे स्कूल या ट्यूशन में जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी समझाया जाता है, उसमें से 20 या 30% ही या उससे कम का उस लेक्चर में समझ के घर पर आते हैं। और फिर जब वो पढ़ने बैठते हैं तो क्या होता है कि स्कूल या लेक्चर में कम समझा हुआ होता है, उसकी वजह से उनको सब्जेक्ट के पीछे बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत सारा समझने की वो जरूरत उनको खड़ी होती है। तो इस टाइप के बच्चे लेक्चर में कम समझा हुआ होता है, उसी की वजह से सब्जेक्ट को अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाते। और सब्जेक्ट को अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं उसकी वजह क्या होती है कि उनके एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं। तो ये थी मिस्टेक नंबर वन। सेकंड नंबर, नॉट डूइंग प्रॉपर रिवीजन। इस टाइप के जो बच्चे होते हैं, मतलब के जिनके एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं या फेल होते हैं, ऐसे बच्चे रिवीजन का इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते और बिना रिवीजन के ही वो एग्जाम देने चले जाते हैं। और मुझे और आपको मालूम है कि बिना रिवीजन के वो बच्चा कैसे एग्जाम में अच्छी तरह से लिख पाया होगा। और उसी वजह से उस बच्चे के एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं या फेल होता है। दिस इज द सेकंड मिस्टेक्स। नंबर थ्री, नो सब्जेक्ट प्लानिंग। जिस बच्चों के एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं या फेल होते हैं, वो बच्चों की लाइफ में, मींस के पढ़ाई के दौरान, उनका कोई सब्जेक्ट प्लानिंग होता नहीं है। और सब्जेक्ट प्लानिंग ना होने से वो उनको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो ही पूरा दिन लेके पढ़ाई करते हैं, और जो सब्जेक्ट उनको टफ लगते हैं तो वो सब्जेक्ट को वो निग्लेक्ट करते हैं। और जब हम पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हमारी ब्रेन की एफिशिएंसी कम होती है, तो वैसे भी हम सब्जेक्ट को अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। और सब्जेक्ट को अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है कि जब एग्जाम खत्म होती है तो वो बच्चे ने जैसे कि एक या दो सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क अचीव किए हैं, या फिर एक या दो सब्जेक्ट में कम मार्क्स अचीव किए हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट एक या दो सब्जेक्ट में फेल भी होते हैं। तो दिस इज दी मिस्टेक नंबर थ्री। फोर्थ, नो गोल। तो इस टाइप के जो बच्चे होते हैं उनकी लाइफ में कोई गोल नहीं होता, मीन्स के कितने परसेंटेज लाने हैं, कौन सी स्ट्रीम में जाना है, कौन सी कैरियर बनानी है, वो कोई उनका डिसाइड होता नहीं है। और डिसाइड न होने के कारण वो मतलब एक एवरेज या फेल स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करते हैं। दिस इज द फोर्थ मिस्टेक। फिफ्थ मिस्टेक इज नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस टाइप के बच्चे होते हैं वो पढ़ाई की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए वो लेते नहीं है। और आज तक मैंने और आपने देखा है कि जिन्होंने अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो आगे ही आए हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं या फेल होते हैं, वो बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी नहीं करते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी नहीं करते मीन्स के अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करते हैं, और पूरा साल ऐसे ही निकल जाता है। तो पूरा साल ऐसे निकल जाने के बाद क्या होता है कि वो एग्जाम अच्छी तरह से लिख नहीं पाते हैं, और लिख नहीं पाते हैं तो उनका रिजल्ट कम आता है। तो ये 5 बिग मिस्टेक्स माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी करते हो। तो अगर आपने ये 5 बिग मिस्टेक्स देख लेते हैं, कौन सी है, लेस अंडरस्टैंडिंग, नॉट डूइंग प्रॉपर रिवीजन, नो सब्जेक्ट प्लानिंग, नो गोल, नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये 5 बिग मिस्टेक को आपने करेक्ट कर लिया तो आप अपनी आने वाली सभी एग्जाम में
अच्छे ग्रेड या मार्क ला सकते हो। थैंक यू।